Hey everyone, welcome back. हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी जिसका नाम है डीप। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो स्कूल के छत से गिरकर अपनी जान दे देता है। उसके बाद एक नरेशन के थ्रू हमें पता चलता है कि इंसान ये तो जानते हैं कि हमें 8 घंटे की नींद की ज़रूरत है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि बिना सोए हम कितने दिन तक रह सकते हैं। फिर हमें प्रोफेसर निक से मिलवाया जाता है जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती थी। वो अपने स्टूडेंट्स को इंसोमिया के बारे में समझा रही थी। एंड इंसोमिया का मतलब होता है स्लीपलेसनेस, यानी कि नींद ना आना या फिर नींद कम आना। वो बता रही थी कि लोगों की लाइफ में स्ट्रेस और डिप्रेशन हद से ज़्यादा होने के कारण कई बार लोग हफ्तों महीनों तक सो नहीं पाते। एक आम इंसान अगर 3 हफ्तों तक ना सोए तो हेलुसिनेट करने लगता है और उसे बिल्कुल होश नहीं रहता। ये कहानी नींद से ही डील करती है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड अब हमें जेन नाम की लड़की से मिलवाया जाता है जो अपनी छोटी बहन जून और ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। उसके पेरेंट्स की डेथ बचपन में ही हो गई थी एंड उसकी ग्रैंड मदर की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी और इसी बात से उसे काफ़ी टेंशन भी हो जाया करती थी। वो अपने पढ़ाई के शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी एंड उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। पढ़ाई, फिर रेस्टोरेंट चलाना, घर के सारे काम करना, ये सब कुछ वो अकेले मैनेज करती थी और ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। ऊपर से वो कर्ज में भी काफ़ी ज़्यादा डूब गई थी क्योंकि अब तक वो घर के लोन को पे नहीं कर पाई है और इसी कारण से उसे इंसोमनिया से सफ़र करना पड़ रहा था। वही फिर अगली सीन में वो कॉलेज पे प्रोफेसर निक से बात करी थी कि वो कॉलेज छोड़ना चाहती है, जिस पे प्रोफेसर समझाती है कि मेडिकल कॉलेज पे एडमिशन बहुत मुश्किलों से मिलता है, इसलिए इसे छोड़ना सही बात नहीं होगी। एंड अगर सच में पैसों की दिक्कत है तो कॉलेज में लैब असिस्टेंट की जॉब खाली है, चाहो तो तुम वो कर सकती हो। लेकिन जेन वो जॉब करना नहीं चाहती थी क्योंकि सैलरी बहुत कम थी और उसे कुछ नहीं हो पाता। उसकी बुरी हालत देख मिस निक उसे एक जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी का कार्ड देती है और बताती है कि वो लोग रिसर्च कर रहे हैं और उसके लिए उन्हें कुछ वॉलंटियर्स चाहिए। तुम चाहो तो उसके लिए वॉलंटियर कर सकती हो और वो अच्छी रकम भी पे करेंगे। जेन चली जाती है एंड पहले उसे वीडियो के थ्रू बताया जाता है कि रिसर्च का नाम है डीप। इसमें 3 लेवल्स होंगे। रिसर्चर्स दरअसल ये पता करना चाह रहे थे कि एक बंदा कितने दिनों तक खुद को जगा कर रख सकता है। एंड तभी वहाँ पर रिसर्च हेड डॉक्टर हांस मिलर आते हैं और कुछ सवाल जवाब के बाद वो जेन के अंदर एक माइक्रोचिप डाल देते हैं। जैसे हम इंसानों की नींद आने का कारण होता है मेलाटोनिन और जागने का कारण होता है केराटोनिन। एंड डॉक्टर हांस जेन के अंदर बनने वाले केराटोनिन को चिप में इकट्ठा करना चाह रहे थे। फिर वो उसे एक वॉच देते हैं और बताते हैं इसे 100% होने के बाद मेरे पास तुरंत आ जाना और जब तक 100% ना हो जाए तब तक सोना बिल्कुल मत। अगर तुम 1 मिनट से 1 भी सेकेंड ज़्यादा सो गई तो चिप शॉर्ट सर्किट कर जाएगी और तुम्हारी जान भी इसमें जा सकती है। 100% होने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं और फिर वो उसे एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं ताकि वो किसी को भी इस बारे में न बता दें और इसके बदले उसे 1,00,000 थाई बात मिलेंगे, यानी कि लगभग 45,000 रुपीज। घर पे वो अपने कॉलेज का काम करी थी एंड कैरेटोनिन 42% तक हो चुका था और आज पहला ही दिन था। फिर वो अपने ग्रैंड माँ के पास थी एंड कुछ देर में उसकी बहन जून आ जाती है। आज उसे आने में काफ़ी लेट हो गया था, इससे जेन उस पर थोड़ा नाराज़ हो जाती है। वहीं अगले दिन लंच टाइम पे विन नाम का बंदा जेन से मिलता है एंड उसने भी डीप एक्सपेरिमेंट ज्वाइन किया था। वो जेन से डीप के बारे में बात करता है जिसपे वो कहती है इस बारे में बात करने से हमें मना किया गया है तो फिर तुम बात क्यों कर रहे हो। वो कहता है हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। एंड उसे भी दरअसल प्रोफेसर निक ने ही इस बारे में बताया था। तभी वहाँ पे और 2 जन आते हैं, पहले सिन जो एक इंस्टा फैशन ब्लॉगर थी और उसके बहुत से फॉलोअर्स थे एंड वो काफ़ी फेमस होती हैं। उसे मेडिकल नहीं करना था लेकिन उसके फैमिली में सभी डॉक्टर्स थे तो इससे भी फोर्सफुली ये करना पड़ रहा था। और दूसरा था पीच जो एक गेमर था एंड उसकी ज़िंदगी का सोल पर्पज़ था सिर्फ और सिर्फ गेम और वो दूसरों से ज़्यादा बातें नहीं कर पाता था। वो सभी मिलकर यही डिस्कस करते हैं कि वो गलती से भी सो नहीं सकते, अगर सो गए तो मारे जाएंगे। लगभग 2 दिनों में सभी के वॉच पे केराटोनिन फुल हो जाता है एंड ये देख वो लोग डॉक्टर मिलर के पास जाकर चिप निकलवा लेते हैं और उन्हें पैसे भी मिल जाते हैं। पैसे मिलते ही सभी अपने अपने प्रॉब्लम्स को दूर कर देते हैं एंड जिन तुरंत ही घर के लोन को चुका देती है एंड वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई थी। वही फिर अगले सीन में वो चारों बोलिंग क्लब पे थे या पे जेन पूछती है अगर डॉक्टर मिलर हम लोग को दोबारा डीप में हिस्सा लेने के लिए बुलाएंगे तो क्या तुम लोग जाओगे। फिन कहता है क्यों नहीं, इस बार तो और भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। पर वहाँ पर जेन को चिंता ये थी कि लेवल 2 पे उन्हें और भी ज़्यादा समय तक जागना पड़ेगा तो क्या वो इससे डील कर पाएंगे। फिर वो घर चली आती है एंड घर आकर वो जून को एक फ़ोन गिफ्ट करती है क्योंकि उससे ही जून का पुराना फ़ोन टूट गया था। ये देख जून पूछती है आखिर इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए, तुम करती क्या हो। जिन बिना बताए वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम विन को देखते हैं जिसकी मॉम नहीं थी, वो अपने फादर के साथ रहता था एंड अगले दिन वो सभी डॉक्टर मिलर के पास जाते हैं। डॉक्टर मिलर बता रहे थे कि इस बारी उन्हें थोड़ा ज़्यादा केराटोनिन चाहिए
एंड इसके लिए लगभग 5 दिन लग सकते हैं, तो उन्हें 5 दिनों तक सोना नहीं होगा और इसके बदले उन्हें 5 लाख बात मिलेंगे, यानी कि लगभग 2,23,000 रुपये। एंड इस बात को सुन वो सभी मान जाते हैं। लेबर टू शुरू हुए 2 दिन बीत चुके थे एंड आज था 3रा दिन और पीछे गलती से सो जाता है। तभी गाड़ी का लाम 0 होता है और उसकी नींद अचानक खुल जाती है। वो सो नहीं सकता था एंड उसका कैरेटोनिन लेवल सिर्फ 32% पे था। वहीं दूसरी तरफ विन का 44% पे था और उसे नींद के कारण चक्कर आने लगे थे। वो बास्केटबॉल खेल रहा था एंड तभी वो गिर जाता है। घर पे जेन भी काफ़ी परेशान थी कि 3 दिन पूरे होने को आए हैं लेकिन उसका कैरेटोनिन सिर्फ 35% पर है। एंड जब जून वहाँ पर गिटार प्रैक्टिस करी थी तभी जेन का उस पर गुस्सा आ जाता है। पिछले कुछ समय से ये सब कुछ चल क्या रहा है, आखिर तुम कर क्या रहे हो। जेन वहाँ से चली जाती है लेकिन जून को वहाँ रखा डॉक्टर मिलर की कंपनी का कार्ड दिख जाता है। वह अगले दिन कॉलेज पे एक स्पेसिमेन में काम करते वक्त जेन को अचानक उसकी ग्रैंडमा दिखने लगती है और वो ये देख बहुत घबरा गई थी। लंच ब्रेक पे सभी यही डिस्कस कर रहे थे कि 4 दिन हो चुके हैं लेकिन कैरेटोनिन फुल होने का तो छोड़ दो, वो तो अब तक 50% तक भी नहीं पहुंचा। उनमें से सिर्फ फिन का ही 52% पे था और उसका हाईएस्ट होता है। जिस पे जेन उसे पूछती है क्या तुम वर्कआउट करते हो, वो कहता है हाँ। जेन समझ आती है कि हो ना हो कैरेटोनिन लेवल बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी बॉडी मूवमेंट्स को बढ़ाना होगा, क्योंकि विन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा था क्योंकि वो वर्कआउट करता था जबकि दूसरे बिल्कुल नहीं। तो फिर विन उन्हें पूल पार्टी का आइडिया देता है एंड वो सभी पीच के घर पर पार्टी करते हैं। उसका घर काफ़ी अच्छा था एंड वहाँ पर वो लोग बहुत उछल कूद करते हैं ताकि कैरेटोनिन लेवल्स बढ़ सकें। और नींद न आने के लिए विन उन सभी के लिए मॉकटेल बनाता है जिस पे उसने कुछ मिला दिया था ताकि उन सभी की नींद उड़ जाए। उसे पीते ही जेन बिल्कुल पागल से हो जाती है और वो डांस करने लगती है। सभी उसे देख हंस रहे थे एंड कुछ देर बाद सिन को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर देखती है तो उसकी ही वीडियो चल रही थी एंड वो पीछे देखती है तो सिर्फ उसके ही फोटोज लगे हुए थे, वो भी बहुत सारे कॉलेज के हर एक मोमेंट के। उसे कुछ याद आता है एंड उसे लग रहा था कि कोई तो है जो उसका पीछा करता है और वो कोई इंसान पीच निकलता है। ये सब देख वो बेहोश हो जाती है एंड तभी उसे होश में लाने के लिए वो कोशिश करते हैं। विन यदि पीच को डांट लगाता है कि वो एक कैसे इंसान है, आखिर उसने क्या कर दिया। एंड एकदम लास्ट सेकंड में सिन को होश आ जाता है। अब वो सभी यदि बहुत डर गए थे कि अगर कुछ सेकंड्स और हो जाते और सिन को होश नहीं आता तो वो मर भी सकती थी। वहीं फिर हम नोटिस करते हैं कि सभी का कैरेटोनिन लेवल 100% हो गया था एंड अगले दिन वो सभी जाकर मना कर देते हैं कि अब वो ये सब और नहीं कर सकते। डॉक्टर मिले यदि कह रहे थे किसी ने भी तुम लोग के जितना अच्छा नहीं किया है और डीप लेवल में तुम्हें 10 लाख और डीप के थर्ड लेवल में तुम्हें 10 लाख बात मिलेंगे, यानी कि 4,46,000 रुपीज। पर कल रात के इंसिडेंट से सब डर चुके थे और कोई नहीं मानता उनकी बातों को। घर आकर वो सभी पहले की तरह सुकून से सोते हैं एंड अगले दिन कॉलेज पे पी सिन से माफी मांगने की कोशिश कर रहा था एंड वो काफी सहमा हुआ सा था। वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे माफ कर दे, उसका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। लेकिन सिन भी उतनी ही डरी हुई थी कि एक ऐसा साइको इंसान है, इतने दिनों से मुझे डरा कर रखा है और अब मना करने पर भी जा नहीं रहा। वही दूसरी तरफ प्रोफेसर निक जिनको बता रही थी कि उसके ग्रेड्स काफी कम आए हैं इस बार, वो कहती है अगर ये सब जर्मन कंपनी पे वॉलंटियर करने के कारण है तो प्लीज इसे छोड़ दो, अभी तुम यंग हो तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, तुम फ्यूचर में पैसे तब भी कमा सकती हो। वो बता देती है कि उसने ऑलरेडी वो काम छोड़ दिया है। उसके बाद विन जेन के पास आता है और वो उसे शाम को कॉन्सर्ट पे चलने के लिए पूछ रहा था। वो उसे कहती है तुमने इस बार बाकी उसे क्यों नहीं कहा एंड वो वहां पर समझ आती है कि विन उसे डेट के लिए पूछ रहे हैं, जिस पर वो साफ साफ नाराज होकर मना कर देती है क्योंकि उसे अपने सिस्टर और ग्रैंड मदर का ख्याल रखना था, इसलिए वो इन समय टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। वही अगले दिन कॉलेज पे एम्बुलेंस आई हुई थी एंड जेन दिखती है कि उस बच्चे के हाथ में वही घड़ी है डीप एक्सपेरिमेंट वाली और उस पर हार्ट रेट 0 हो गया था, यानी पक्का वो स्टूडेंट 1 मिनट से ज़्यादा सो गया होगा जिससे वो मारा गया। ये देख वो घबरा गई थी एंड शाम को घर पे उसकी ग्रैंड मदर बेहोश पड़ी थी। वो जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर आती है एंड जेन के पास उस हॉस्पिटल की फीस के लायक पैसे नहीं थे, इसलिए उसे ग्रैंड मदर को शिफ्ट करवाना पड़ता है। और तभी वहाँ पे जून आती है, वो बहुत सारे पैसे लेकर आई थी क्योंकि उसने भी डी प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया था। यदि जेन उसे बहुत डांट लगाती है और बताती है एक इंसान की जान चली गई उस एक्सपेरिमेंट के कारण, इसे छोड़ दो, लेकिन जून नहीं मानती क्योंकि वो भी हेल्प करना चाहती थी और गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। वही दूसरी तरफ विन को देखते हैं एंड वो जब घर लौटता है तो उसकी मॉम का रूम खुला हुआ था और पसे सारा सामान गायब था। वो अपने फादर से नाराज हो जाता है, ये देखो अपने फादर से नाराज हो गया था कि क्यों उन्होंने उसकी मॉम की सारी यादों को फेंक दिया। वो वहाँ पे बहुत बुरा भला उनसे कहता है एंड उनके बीच लड़ाई हो जाती है। फिर जेन जब घर आती है तो वहाँ पे जू नहीं थी, उसका कॉल भी नहीं लग पा रहा था, इसलिए वो तुरंत डॉक्टर मेलल के ऑफिस पे जाती है। वहाँ पे उसकी बहन थी एंड वो डॉक्टर मेल को धमका रही थी कि अगर उसने जून के अंदर उस चिप को नहीं निकाला तो वो पुलिस को बता देगी,
लेकिन मिलर ने एग्रीमेंट पे साइन करवा रखा था, तो वो उसे याद दिलाता है अगर तुमने किसी को भी इस बारे में बताया तो तुम्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। डॉक्टर मिलर कहते हैं अगर तुम अपनी बाकी दोस्तों के साथ डीप लेवल 3 को पूरा करने में मान जाओ तो मैं तुम्हारी सिस्टर के अंदर से चिप हटा दूंगा। फिर वो सभी से मिलती है और उन्हें बताती है कि जून का डीप लेवल 3 स्टार्ट हो चुका है और लेवल 2 कंप्लीट करना ही इतना मुश्किल था तो 3 को कंप्लीट करना तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। जून को बचाने के लिए वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो सभी डीप लेवल 3 को ज्वाइन कर लें उसके साथ। फिर उसकी हेल्प के लिए मान जाता है लेकिन सिन और पीच मना कर देते हैं क्योंकि वो दोनों अभी भी उस दिन के खौफ से बाहर नहीं आए थे। जेन उन्हें समझाती है कि जून तो बच्ची है लेकिन वो सभी बड़े हैं तो वो लोग कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे इसे कंप्लीट करने का, लेकिन फिर भी वो दोनों नहीं मानते। विन सिन से कहता है अगर जेन ना होती तो शायद तुम जिंदा भी नहीं होती, उस दिन तुम्हें जेन नहीं बचाया था। लेकिन सिन वहां से चली जाती है, उसके बाद पीच भी। वही फिर अगले दिन जेन, विन और जून तीनों डॉक्टर मिलर के पास जा रहे थे कि तभी वहां पे पीच पहले से मौजूद था और पीछे से सिन भी आ जाती है। पिछली रात उन दोनों को काफी गिल्ट महसूस हो रहा था जेन को इतनी बुरी हालत में छोड़ के जाने के कारण। लेवल 3 को ज्वाइन करने के बाद जेन सभी को प्रोफेसर निक के पास लेकर आती है एंड उनसे हेल्प मांगती है एंड प्रोफेसर निक उन्हें एक अलर्ट करने वाली मेडिसिन दे देती है ताकि उन्हें नींद पे कंट्रोल रख सके। प्रोफेसर निक को काफी बुरा लग रहा था क्योंकि उनके बताने के कारण ही जेन और बाकी सब उस कंपनी पे गए थे। वो उन्हें अपने फादर की जगह में रहने के लिए देती है ताकि वो सभी एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे का ध्यान रख सके। किसी तरह डे 1 बीत जाता है लेकिन कैरेट और इन परसेंटेज सिर्फ 5% पड़ी थी। वो अगले दिन भी सुबह को वो सीरम ले लेते हैं ताकि नींद से बच सके। 3 दिन भी जाते हैं एंड कैरेट और इन परसेंटेज था 29। ऐसे ही किसी तरह वो सभी 5 दिनों तक बिना सोए रह लेते हैं और आज था 6ठा दिन। पीच गेम खेल रहा था कि तभी उसे गेम में चलने वाली गोलियों के बाद पीछे दरवाजे से आती है और फिर वो लेज पर जाकर खड़ा हो जाता है। ढेर सारे पिंपल्स दिखने लगते हैं और वो बहुत घबरा जाती है। फिर उनको अपनी मॉम की शेडो दिख रही थी जो उसे अपने पास बुला रही थी और विजेन को अपने पेरेंट्स के डेथ की याद आने लगती है और तभी साइड पे वो दिखती है कि जून मर रही है। एक एक करके चारों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी एंड तभी जून आकर जेन को हेलुसिनेशन से बाहर निकालती है। वॉशरूम के मिरर को गुस्से में सिन तोड़ देती है एंड ये सुन सभी होश में आकर देखते हैं कि सिन को आखिर हुआ क्या है। सिन जेन पे बहुत नाराज होती है कि उसके कारण सिन के फेस पे इतने सारे पिंपल्स हो गए, अब वो फैशन ब्लॉगिंग कैसे करेगी। विन उसे समझाता है पर वो उल्टा विन को ही काफी बुरा भला कह देती है। पीछे उसके बीच भी बहस हो जाती है और दोनों लड़ाई कर बैठते हैं। यदि जेन प्रोफेसर निक के पास जाती है एंड वहां वो नोटिस करती है कि वहां CCTV लगा हुआ है और वहां पर ही जर्मन कंपनी के कार्ड्स भी थे और एक ऑडिशन फाइल है जिसमें डॉक्टर हांस मिलर का रेज्यूमे है। वो समझ जाती है कि इन सब के पीछे प्रोफेसर निक है। हांस मिलर कोई डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ इनका प्यादा है एंड जेन सभी को ये बात बता देती है। वहां पर सिग्नल नहीं था तो वो पुलिस को कॉल नहीं कर पाते। निक ने गेट को भी अब लॉक कर दिया था तो वो लोग भाग भी नहीं सकते थे। अब सिन वहां के सभी CCTV कैमरा को तोड़ देती है एंड विन की हालत खराब हो रही थी, वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देख निक तुरंत वहां पर आती है और विन को अपने साथ ले जाती है और चिप को निकाल लेती है। तभी विन पीछे से उन्हें मारता है और बाकी सभी भी ऊपर चले आते हैं एंड वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने विन को CCL सीरम दे दिया था जिससे टेम्परेरी कार्डिक अरेस्ट आता है और इसी तरह वो प्रोफेसर निक से बच जाते हैं। लेकिन प्रोफेसर निक उन्हें जीर नाम के बंदे से मिलाती है जो कोमा में था एंड कहानी की शुरुआत में हमने जिस इंसान को जान देते देखा था वो जीर ही था। जीर दरअसल स्लीपलेसनेस पे रिसर्च कर रहा था और न सोने के कारण हेलुसिनेशंस के कारण बिल्डिंग से जंप कर जाता है। काफी रिसर्च के बाद प्रोफेसर निक कैरेट ऑनिन एक्सट्रैक्ट करना सीख पाती है और कैरेट ऑनिन की हेल्प से वो जीर को होश में ला पा रही थी। लेकिन सभी स्टूडेंट्स नाराज थे कि सभी उनकी जान जा सकती है पर निक उन्हें समझाती है इसलिए मैंने तुम लोग को यहाँ पर ला रखा है कि तुम्हें कुछ भी होने से पहले मैं तुम्हें बचा सकूं। वो बस किसी तरह जेट को होश में लाना चाहती थी क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन वो लोग पुलिस को कॉल करने वाले थे इसलिए ने जेन को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। जेन का हार्ट रेट लो हो रहा था पर फिर वो लोग किसी तरह प्रोफेसर को हरा देते हैं एंड फिर वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन जेन को होश नहीं आ रहा था क्योंकि हार्ट रेट 0 हो चुका था। पर तभी जेन अचानक जाग जाती है एंड फिर वो सभी प्रोफेसर निक को अरेस्ट करवा देते हैं। फिर अगले सीन में उन सभी के अंदर जो चिप्स लगे थे उन्हें रिमूव कर दिया जाता है एंड किसी को भी लेवल 3 के पेमेंट नहीं मिलती। वे फिर एट लास्ट विन के फादर उसकी मॉम की चीजें वापस ले आते हैं एंड सिन अब मेडिसिन छोड़कर कम्युनिकेशन ज्वाइन कर लेती है जो वो हमेशा से करना चाहती थी। जेन की ग्रैंडमा भी अब ठीक हो चुकी थी और पीच को ये देख समझ आ चुका था कि वर्चुअल वर्ल्ड के दोस्त से बहुत अच्छे रियलिटी के दोस्त होते हैं और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी एंड इसकी कहानी भी बहुत ही डिफरेंट थी। एंड गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
सी यू सून।